बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं जिस वजह से हम लोगों में अवेयरनेस नहीं होता है, हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। आज सर के स्पीच में मैंने बहुत सारी चीजें सुना है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सबसे पहली बात कि बीवी अगर करती है तो उसका सवाब हस्बैंड को मिलता है, ये हमारे हिंदू लोगों में ये कंसेप्ट है जो कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। बिल्कुल सही है कि अगर आप कोई कर्म करते हो, आप अगर कोई पुण्य करते हो तो वो बराबर आपके ही हिस्से में जाना है। हम उपास करते हैं तो उसका पुण्य हमारे हस्बैंड को मिलता है। दिस इज अ जस्ट अ कंसेप्ट, कितना गलत है, उसको साइंटिफिक, उसको कोई भी आधार नहीं है। वो कहा गया है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सर यू हैव वेरी एफिशिएंटली, वेरी एविडेंटली यू हैव प्रूव दैट इस्लाम इज रियली द गुड रिलीजन विच हैज टू बी फॉलोड। मैं और ये बात कहना चाहूंगी बुरखे के ताल्लुक से, जो वाकया दिल्ली में हुआ था उस पर जब महिला आयोग में इंटरेक्शन हुए, बहुत बड़े बड़े लेडीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया और 80% वुमन का ये कहना था कि उस रात उसको लेट जाने की क्या जरूरत थी। एवरी इंसिडेंट्स हैव टू पार्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव। 80% लेडीज ने ये कहा था कि उसका उस दिन जाना इतनी रात में बिल्कुल भी उन्होंने टाल सकते थे वो बात को। कोई इंसिडेंस जब होता है, हम लोग लेडीज होते तो वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, वी कैन वेरी इजीली मेक आउट व्हाट इज द सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन है तो फिर उन्होंने वैसा क्यों स्टेप लिया, क्यों वो बस में उन्होंने ट्रेवल किया। मैनी टाइम्स वी इन्वाइट इंसिडेंट्स, दिस वॉज द इश्यू विच वॉज वेरी मच प्रॉब्लमैटिक। महिला आयोग के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी ये कहा था कि अगर लेडीज चाहते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक्सीडेंट नहीं होता है, देर आर सम और द अदर रिलेशन, अनलेस नोबडी हैज दैट करेज टू अब्यूज यू। अभी ये कंसेप्ट हम लोगों में भी आया है कि हमको ओढ़कर ढककर चलना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें खाली देखने से भी उसको स्टिमुलेशन मिलता है। तो ये बात तो इस्लाम में कब से कही है कि आपने ओढ़ना ढकना है। सर वेरी इफिशियंटली यू हैव साइंटिफिकली प्रूव दैट इस्लाम इज रियली अ वेरी गुड रिलीजन एंड एवरीबॉडी शुड फॉलो इट। इस्लाम में बेटियों को जो हक दिया गया है, हम लोग अभी 89 के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसका ये किया है कि हम लोगों को भी, बेटियों को भी उसमें हक मिलना चाहिए, वरना एवरीथिंग इज फॉर बॉयज, नथिंग फॉर गर्ल्स। यू आर मैरिड, एवरीथिंग इज स्टॉप्ड, यू हैव नो रिलेशन विद द पैरेंटल प्रॉपर्टी। जबकि इस्लाम में ये शुरू से ही दिया गया है कि इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। दूसरी बात आपने कही है, हम जोर देंगे कि रेप केसेस में जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि उनको 7 डेज के अंदर उसका डिसीजन होना चाहिए, वी वेरी वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट दिस शुड बी फॉलोड इन इंडिया। देन एंड देन ओनली टू सम एक्सटेंट we can control all the situations. Sir, on behalf of our campus, I'm really very much thankful for you coming here and bringing awareness amongst our students, and we feel that in future we will have many more interactions and associations.